हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम नामिका दिया. वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी. आर टुडेज टॉपिक इज प्रोफेशनल एथिक्स. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द टीचर्स आउट देयर, बिकॉज हम किसी भी प्रोफेशन में, नॉट ओनली इन द टीचिंग प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हमें अपने प्रोफेशन के कुछ एथिक्स का पता होना चाहिए कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो क्यों बनाए गए हैं, उन्हें क्यों फॉलो करना है. इन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए. और एज अ टीचर परस्पेक्टिव आज हम सारे वो एथिक्स जानेंगे जो एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए मस्ट हैं. प्रोफेशनल एथिक्स को बोला जाता है व्यावसायिक नैतिकता. ऐसे कौन कौन से नैतिक टर्म्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है. प्रोफेशनल एथिक्स इज अ टर्म दैट इनकंपैसेस द पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वैल्यू गाइडिंग प्रिंसिपल दैट अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू पोजेस. यही मैंने कहा कि आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो वहां का कैसा आपका कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, कैसा व्यवहार आपको करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स रहेंगे, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल रहेंगे जो एक वहां के कार्यकर्ता में होने चाहिए. तो वही जो एस्टेब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट एंड कस्टम्स हैं, दैट इज नोन एज प्रोफेशनल एथिक्स. सो इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर देशराज सिरसवाल, इन्होंने क्या कहा है, प्रोफेशनल एथिक्स इज अ पार्टली कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट अ प्रोफेशन शुड और शुड नॉट डू एट अ वर्क प्लेस. आपको आपके कार्य स्थल पर क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, जो इन चीजों में आपको अबाइड करता हो वही हमारे प्रोफेशनल एथिक्स होंगे. एंड हम ये इसीलिए अडेप्ट करते हैं, या किसी भी पर्सन को अडेप्ट करना पड़ता है जिस भी वर्क प्लेस पे वो रहता है, क्योंकि इन एथिक्स के बिना उनकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल जीरो है, या फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्क मिलर एंड अमेरिकन स्कॉलर थे जो, प्रोफेशनल कोड एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट ऑल एम्प्लॉयज मस्ट कंपाइली एंड इंश्योर एथिकल डिसीजन मार्किंग इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. मतलब ये कहना चाहते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को उनका पालन करना होता है, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो. नेक्स्ट है हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस. नीड एंड इम्पोर्टेंस से पहले आई थिंक आपको जो बेस है वो समझ आ गया होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं किसी भी प्रोफेशन के, या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आपको उस वर्क प्लेस पे कैसा व्यवहार करना है, तो वही आपके प्रोफेशनल एथिक्स कहलाते हैं. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन, कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं या महत्व क्या है इन प्रोफेशनल एथिक्स का, वो जानेंगे. देखो सबसे पहले जो टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स एक सिग्निफिकेंट, मतलब टीचर्स की जॉब का इतना सिग्निफिकेंस है कि हमें उनको ऐसे अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट भी होती रहे और हम सेल्फ एक्सप्रेशन भी बना के रखें, क्योंकि टीचर्स को तो अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करनी है. सो टीचर विल नॉट लुक अपॉन देयर वर्क एज अ अनप्लेटेबल मीन्स ऑफ कैरिंग अ स्कैनिटी लिविंग, बट एज अ एवेन्यू थ्रू विच दे आर रेंडरिंग सिग्निफिकेंट सोशल सर्विसेज. टीचर को अपनी जो जॉब है उसे ऐसा ना मानना चाहिए कि ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, बट उन्हें ऐसे देखना चाहिए कि वो एक समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब का सिग्निफिकेंस ही इतना ज्यादा है. तो ऐसे कौन कौन से एथिक्स हैं, हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, हमारा जो भी कॉमन गोल है उसको अटेन करने में हेल्प करते हैं, और जो जील है हमारी वो बना के रखते हैं. एड्स इन डेवलपिंग फेथ एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटी दैट इज डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म. जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो जो बातों को बताते हैं सिर्फ कि हमें सोशल जस्टिस बना के रखना है, डेमोक्रेसी बना के रखनी है, जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो उनको गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स हमें इम्पावर करते हैं, प्रेस्टीज देते हैं, और जो भी हमारे टीचर की एक सोसाइटी में प्रेस्टीज होना चाहिए वो भी हमें प्रोफेशनल एथिक्स से मिलता है. हमारी सेल्फ एस्टीम बनाते हैं, सेल्फ डायरेक्शन बनाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं, और किसी भी कम्युनिटी को कैसे मैग्नेटाइज करना है, मतलब कैसे शिक्षकों का समर्थन बढ़ाना है, उसमें भी ये डेवलपमेंट देते हैं. साथ ही साथ ये आइडल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि हमें अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कार्य करने हैं. प्रोफेशनल टीचिंग प्रोफेशन को इन्हेंस करते हैं. असिस्ट टीचिंग कम्युनिटी एंड मैनिफेस्टिंग एथिकल बिहेवियर इन अ रिलेशनशिप, कि एक टीचर को अपना बिहेवियर स्टूडेंट के साथ कैसे रखना है, पेरेंट्स के साथ कैसे रखना है, फेलो टीचर्स के साथ कैसे रखना है, कम्युनिटी के साथ कैसे रखना है, और अपने जितने भी एजुकेशनल एसोसिएटिव्स हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, और हमारी जो ऑब्लाइजेशन रहेंगी या डिस्चार्जिंग रहेंगी उसकी भी सहायता करने में मदद करते हैं.
नेक्स्ट है प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं वो कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट में या कौन कौन सी जो समितियां या कमेटियां आई हैं उन्होंने कैसे बात करी है। तो ऐसे कौन कौन सी कमेटीज हैं जिन्होंने कंडक्ट कराए हैं, सबसे पहले हैं एनईपी 1962, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई थी, एनईपी 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 86 में जो आई थी उन्होंने भी टीचर्स के कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी थी। ये 1992 में क्या आया था, पीओए, बच्चों को तो पता भी होगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 की जो पॉलिसी थी जिसमें जो लैकिंग रह गई थी या जिस वजह से हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी अचीवमेंट को शो करने के लिए हमारे पास एक नई प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिया था हमने 1992 में, जिसे पीओए बोला जाता है। इसके बाद है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, आप लोगों को भी ये फुल फॉर्म पता होने चाहिए। देन है ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशन, ये 1997 में आई थी, एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एंड आरटी, राइट टू एजुकेशन 2009। इन सब ने ऑब्लाइज किया है टीचर्स को कि टीचर्स को अपने प्रोफेशनल एथिक्स को जरूर से फॉलो करना चाहिए, और यहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी गिवन है कि टीचर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट ऑब्लाइजेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट, छात्रों के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी बच्चों को लव और अफेक्शन से ट्रीट करें, बच्चा चाहे किसी कास्ट से, किसी क्रीड से है, कोई उसका जेंडर है, कोई उसका कैसा भी उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कैसी भी लैंग्वेज बोलता है, पर हमें किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और हर एक बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जितनी पॉसिबल है हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, और जो हर एक बच्चे हर एक पर्सन की बेसिक नीड होती है डिग्निटी बना के रखनी है, मतलब सबका सम्मान हमें बना के रखना है सभी एस्पेक्ट में। देन प्लान्ड और सिस्टमेटिक एफर्ट्स बनाने हैं कि बच्चा जो है वो अपना एक्चुअल पोटेंशियल और एक्चुअल टैलेंट शो कर सके, करिकुलम को बहुत वैल्यू के साथ इनरिच करते हुए ट्रांजेक्ट करना है, बच्चों को अपने सोशल बैकग्राउंड में या स्कूल बैकग्राउंड में अडेप्ट कैसे करना है वो सारी चीज़ें सिखानी है, बच्चों के साथ कंसर्न करना है, और बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी है कि अगर उनके साथ कोई भी चीज़ें गलत हो रही हैं, सेक्सुअल अब्यूज हो रहे हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, सॉरी मेंटल इलनेस है, किसी टाइप का कोई भी प्रेशराइज किया जा रहा है, ट्रॉमा है, एंजाइटी है, तो हमें उस चीजों को सब्जेक्टिव सब्जेक्ट करके देखना है कि हमें उन्हें दूर रखना है इन सारी चीजों से, इन सारी कंडीशन से, और हमें टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है कि टीचर को एज अ रोल मॉडल एक्ट करना है बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने टीचर को बहुत ज्यादा इमिटेट करते हैं और अपने टीचर को ही अपना रोल मॉडल भी समझते हैं। देन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए क्या है, सबसे पहले तो देर इज अ टीचर हैव टू बिल्ड द रिपोर्ट बिटवीन द पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बिटवीन द कम्युनिटी एंड इटसेल्फ ऑल्सो। दूसरा है कि टीचर को रिस्पेक्ट रखनी है बच्चे की भी, बच्चे के पेरेंट्स की भी, और किसी भी कम्युनिटी से वहां से भी बच्चे को रिस्पेक्ट सिखानी है, और कंपोजिट कल्चर के बारे में सिखाना है। कंपोजिट कल्चर इज अ कल्चर इन विच देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर एट अ टाइम। जैसे कि हम स्कूल में रहते हैं तो हम ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये क्या सिखाया जा रहा है, उन्हें कंपोजिट कल्चर दिखाया जा रहा है कि आप किसी भी स्पेसिफिक कल्चर से हो पर आप सभी धर्म का और सभी कल्चर का, संस्कृतियों का सम्मान करो, और बच्चों को दूर रखना है ऐसी एक्टिविटीज से जिसमें हेट या एनिमिटी या ऐसी कोई भी भावनाएं बच्चों के सामने आए जो बच्चों के बिहेवियर में नहीं होने चाहिए। अब उसके प्रोफेशन के लिए टीचर्स की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो है स्ट्राइव फॉर हिज एंड हर कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है, दूसरे को भी इंकरेज करना है जो उसके कलीग्स हैं, फेलो टीचर्स हैं, और अपने कलीग के साथ कोलैबोरेट करके अच्छे काम करने हैं, मतलब हमारे जो हित हैं उनका ध्यान रखते हुए सहकार्य करने हैं, और प्राइड समझना है अपने प्रोफेशन को, और अपने प्रोफेशन की डिग्निटी भी बना के रखनी है, और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में आप इंडल्ज नहीं हो सकते विच इज प्रॉफिटेबल। देन है रिफ्रेन फ्रॉम द एक्सेप्टिंग, कोई भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी गिफ्ट बच्चों से एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके, कोई भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट है वो देने से बचना है, मतलब आप किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्टेटमेंट बच्चे को या किसी पेरेंट्स को नहीं दे सकते हो, इवन नॉट देयर कलीग्स, अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने फेलो टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, और कोई भी इंफॉर्मेशन है जो अथॉरिटी ने बोला है कि आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, आप नहीं बताओगे, तो आप अपनी जो भी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हैं जो आपकी अथॉरिटी ने या आपके मैनेजमेंट ने आपको बोला है तो वो किसी के सामने भी
उजागर नहीं करनी, हमें बना के रखना है वो कॉन्फिडेंशियल चीजें, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स कहती है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसकी रिस्पेक्ट करो, डिग्निटी बना के रखो, अपने कलीग्स के साथ अच्छा बिहेव करो, और एज अ टीचर आप बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे और उनके पेरेंट्स के साथ, एंड यू आर ऑल्सो द पिलर टू मेंटेन द कम्युनिटी फ्रेमवर्क। तो आपको अपने बिहेवियर में भी ऐसे अच्छे से बिहेव करना है कि बच्चे आपको एक रोल मॉडल समझें, और आपके प्रोफेशन की जो जितनी भी एथिक्स थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट NEP ने दिए, POA ने दिए, NCT ने दिए, AISF ने दिए, और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने दिए, इन सब ने जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं, हम उन्हें सबको फॉलो करते हुए अपनी जॉब को, अपने प्रोफेशन को एक बेटर लेवल तक लेके जा सकें, तो यही हमारे प्रोफेशनल एथिक्स रहेंगे। और इन्हीं को अगर हम पूरा कर पाते हैं तो वी आर इन अ गुड प्रोफेशन, और हम अपने प्रोफेशन की डिग्निटी भी बना के रख पाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट आर टूडेज टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रखती हैं तो आप मेरे ट्यूटोरियल थ्योरी को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।